का स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला, पुंछ में वायुसेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने दो गाड़ियों पर फायरिंग की है। आतंकी हमले में 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई जवान घायल हो गए हैं। 5 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। ये जो हमला है वो सुरनकोट के सनाई गांव में हुआ है। भारतीय सेना और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां जो हैं वो इलाके में भेज दी गई हैं। तो इस हमले में कई जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की है। ये हमला सुरनकोट के सनाई गांव में हुआ है। भारतीय सेना और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां इलाके में भेजी गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं वायुसेना का जो ट्रक है वो आपको नजर आ रहा होगा, और ऐसी कई टुकड़ियां थी जो इस रास्ते से जा रही थी, और 2 वाहन बताए जा रहे हैं जिन पर हमला किया गया है आतंकियों की तरफ से। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की स्थानीय इकाई ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एयरफोर्स के वाहनों को शाहिस्तार के पास के एयरबेस के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। एक एयरबेस के अंदर जो वाहन है एयरफोर्स के उन्हें सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। सैनिकों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। हॉस्पिटल में सैनिकों को भी एडमिट कराया गया है। लेकिन इन सब के बीच इस हमले के पीछे आखिरकार कौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कैसे घात लगाए बैठे पहले से आतंकियों ने ये हमला किया, अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है, किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, और अभी फिलहाल क्या अपडेट है? क्योंकि जो तमाम एक तरह से कह सकते हैं जो तमाम एयरफोर्स या वहां के जो लोकल पुलिस है वो पहुंच गई है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अपडेट क्या है इस पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी थी, क्योंकि उस इलाके में पुंछ के जड़ावाली गली के साथ जो है एक सेना का कैंप है, वहीं पर एयरफोर्स की तैनाती है और वहीं पर ये गाड़ी जो है वो जा रही थी। ये दरअसल 2 से 3 गाड़ियों का काफिला था जिसमें जो है प्रोटेक्शन पार्टी भी साथ थी, और इस जो ट्रक है जिसमें एयरफोर्स के जवान सवार थे, अंधाधुंध जो है 3 से 4 आतंकी आते हैं, और जैसे ही ये सनई इलाके के पास पहुँचती है तो सड़क के एक तरफ देखेंगे तो एक ऊँची जो है ऊंची सी जगह है, पहाड़ जैसा है, वहीं पर खड़े होकर आतंकियों ने जो है तीनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के जवान जो अंदर सवार थे वो जख्मी हो गए। 5 जो एयरफोर्स के जवान हैं उनमें जख्मी हुए हैं, और तुरंत क्योंकि जो 7 गाड़ियां थी उन्होंने मोर्चा संभाला और तुरंत कार्रवाई शुरू की, जिसमें आतंकी जो है वहां से भाग निकले। हालांकि ये भी सूचना आ रही है कि शायद इसमें 1 से 2 आतंकी जख्मी भी हुआ है जो रिटेलिएशन में, मगर अब सेना और एयरफोर्स की जो सबसे पहली प्राथमिकता थी उन जवानों को जो घायल अवस्था में थे उनको अस्पताल पहुंचाना था, उनको जो है अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इस पूरे इलाके में घेराबंदी कर इस वक्त ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसमें सेना, पुलिस और एयरफोर्स जो है वो शामिल है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो इलाका है ये पिछले कुछ समय में लगातार एक्टिव हुआ है, और आतंकी जो जंगल में लगातार अपने ठिकाने बनाए हुए हैं वहां से निकलकर कभी भी आते हैं और उसके बाद इस तरह से हमले को अंजाम देते हैं। कुछ महीनों पहले सुरनकोट में जो है हमला हुआ था जिसमें 5 सेना के जवान इसी तरह से गाड़ी में जब जा रहे थे अपनी, उसमें उनको निशाना बनाया गया और उसमें 5 सेना के जवानों की मौत हुई थी। कुछ दिन पहले एक सिविलियन की हत्या जो है वो शादरा शरीफ इलाके में रजौरी में हुई थी, और अब ये तीसरा वाकया जो है ये हुआ है जिसमें 5 एयरफोर्स के जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है उस पूरे इलाके में कर दी गई है, उस पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है और ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है उस पूरे इलाके में, क्योंकि आसपास जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन भी है, जंगल का इलाका है, इसलिए सुरक्षा बलों को इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन में कोई सिविलियन जो है वो नुकसान ना हो जाए और आतंकियों जो उस इलाके में छुपे हुए हैं वो किसी तरह से किसी सिविलियन का नुकसान ना पहुंचा दे। ये ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और उस पूरे इलाके में जो है फोर्सेज की तैनाती की गई है। बिल्कुल अजय, क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि पूरे इलाके में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उम्मीद यही है कि आतंकियों को मार गिराया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप, सुरनकोट का ये सनई गांव है, ये किस तरह का एरिया है? बहुत ज़्यादा जंगली एरिया है, पहाड़ों वाला इलाका है, और शायद इसी वजह से क्या आतंकियों को हमला करने में एक मदद मिलती है, क्योंकि सड़क पर वाहन चल रहे हैं और ऊपर तरफ से ऊंचाई से अगर हमला किया जाता है तो हमने देखा है कि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ से कोशिश होती है। हालांकि 5 जवान घायल हुए हैं जिन्हें आप जो जानकारी दे रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, किस तरह का ये एरिया है?
देखिए आपको बता दूं कि ये जो इलाका है दरअसल जो जम्मू से पुंछ हाईवे है उस हाईवे से एक तरफ जो जड़ावाली गली इलाका पड़ता है वहीं से एक तरफ जो है गांव में सनई गांव में जो है वो रास्ता जाता है और वहीं से आगे जो है आपको बता दूं कि गुरसई और आसपास के इलाके में गांव के जो लोग हैं वो भी जाते हैं और वहीं पर एयरफोर्स की जो है वो तैनाती भारतीय सेना के जवानों के साथ है और उसी इलाके में ये गाड़ियाँ जो है जा रही थी, 2 से 3 गाड़ियाँ थी जिसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी बताई जा रही है जो उस वक्त आगे चल रही थी। मगर जैसे ही क्योंकि आतंकियों को शायद इस चीज़ की पहले से जानकारी थी कि इन गाड़ियों की मूवमेंट जो है इस इलाके से होने वाली है, जैसे ही वहां पर गाड़ियां पहुंची है आतंकी पहले से वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे और उन्होंने तुरंत जो है वो छुपे हुए आतंकियों ने जो है सेना के एयरफोर्स के जवानों की गाड़ी पर जो है फायरिंग की। एक आतंकी सबसे पहले फ्रंट में आता है और उसके बाद दोनों तरफ जो है आतंकी जो खड़े थे वहां से निकलकर आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी क्योंकि 3 तरफ से फायरिंग हो रही थी। ऐसे में सेना जो जवान थे सुरक्षा बलों के उनके लिए बहुत मुश्किल था उसको रिटेलिएट करना, मगर फिर भी जो जवान थे उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने फायरिंग की जिसमें आतंकी जो है लगभग 4 से 5 मिनट तक जो है आपको बता दूं ये मुठभेड़ चली है। उसके बाद ये आतंकी वहां से भागे हैं। जंगल का इलाका है, आसपास सिविलियन पॉपुलेशन भी है, मगर सबसे पहली प्राथमिकता उन जवानों को घायल अवस्था में जो जवान थे उनको वहां से इवैक्यूएट करना था और उसके बाद उस ऑपरेशन को भी आगे बढ़ाना था, इसीलिए वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगा मगर फिर भी ऑपरेशन को जो है वो चलाया जा रहा है। दूसरी आपको बता दूं जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जैशे मोहम्मद का जो ऑफशूट है PAFF जो है उसने जो है इस हमले की जानकारी ली है। हालांकि किसी तरह से औपचारिक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती मगर इस तरह के हमलों आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जैश मोहम्मद की तरफ से इस हमले को लेकर जिम्मेदारी ली गई है लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती।